बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज का जो नया टॉपिक है वो डिविएटेड नोजल सेप्टम है। व्हाट इज डिविएटेड नोजल सेप्टम? ठीक है, डीएनएस जो हम कहते हैं, उसके एब्रिवेशन हमारे साथ क्या है? डिविएटेड नोजल सेप्टम। ठीक है, ये हमारे साथ क्या है? ये का आप लोगों का जोन वो है नोजल सेप्टम है, उसमें क्या होता है? डिविएटेड होता है, ठीक है, डिविएशन होता है, तो इसको कहते हैं फिर डिविएटेड नोजल सेप्टम। ठीक है, इसका काज हमारे साथ क्या है? एक जो काज है हमारे साथ क्या है वो ड्रामा है। ठीक है, ड्रामा की वजह से भी क्या होता है आप लोगों के साथ वो फिर वो डीएनएस होता है। ठीक है, और इसमें हमारे साथ बर्थ ट्रामा भी क्या है इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग बर्थ ट्रामा। ठीक है, ड्यूरिंग जो है बर्थ आप क्या होता है ये ट्रामा हो सकता है। ठीक है, फिर जो है डीएनएस हम इसको कहते हैं। ठीक है, ये देखो मैंने डायग्राम बनाया, ये बिल्कुल सीधा इस तरह होता है ये, तो ये देखो डिविएशन है। ठीक है, ये जो सिप्टम है बिल्कुल इस तरह सीधा होता है, तो ये देखो ये इस तरह है। ठीक है, इसको कहते हैं डीएनएस। फेमिनल है, मतलब फैमिली में ये फॉर एग्जांपल फैमिली हिस्ट्री होता है, और मतलब इसके भाई सिस्टर या मादर या फादर में इस तरह होता है ये। ठीक है, ये डीएनएस डेवलपमेंटल एरर। ठीक है, डेवलपमेंट के टाइम में क्या होता है वहां से क्या होता है ये डीएनएस होता है। ठीक है, ड्यूरिंग जो है यूट्रस जो डेवलपमेंट होता है उस टाइम पर यह होता है। ठीक है, हमारे साथ टाइप कितना है? सी शेप्ड है, बिल्कुल सी की तरह है, एस शेप्ड है, टेक्निक वो है ये टाइप से, इंटीरियर डिसलोकेशन है ये भी जो है टाइप्स है, स्पार्स शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन, ये हमारे साथ क्या है, ये फाइव हमारे साथ डीएनएस का क्या है हमारे साथ टाइप है। और इसका जो क्लिनिकल फीचर है इसमें जो मेन है वो हमारे साथ एक नोजल ऑब्स्ट्रक्शन, मरीज बार बार जो है कंप्लेन करता है कि क्या है मेरा नोज बंद है, बार बार जो है जब वो हॉस्पिटल आता है अपनों का क्लिनिक पे आता है तो ये हिस्ट्री देता है, ये तकलीफ आपको बताता है कि मेरा जो है क्या है नोज बंद है। ठीक है, साथ में जो है कभी कभी ये भी हिस्ट्री देता है कि ब्लीडिंग होता है, एपिस्टेक्सिस जो कहते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल जो है डिफॉर्मिटी, बाहर से जो हम देखते हैं तो बिल्कुल क्या होता है डिफॉर्मिटी होता है। ठीक है, बाहर से लॉस ऑफ स्मेल, पेशेंट का एक कंप्लेन भी होता है कि मुझे स्मेल नहीं होता बिल्कुल किसी चीज का भी, क्योंकि ब्लॉकेज होता है। रिकरेंट इन्फेक्शन, रिकर बार बार जो है इन्फेक्शन होता है थ्रोट को, साइनस को एंड नोज को। ठीक है, साइनस थ्रोट एंड साइनस एंड नोज को बार बार जो है रिकरेंट इन्फेक्शन होता है इसमें। और हेडेक, मेन जो चीज है हमारे साथ ये हेडेक, डीएनएस वाले मरीज को जो है हेडेक होता है। ठीक है, यस, और वो भी है क्लिनिकल फीचर लेकिन ये कॉमन होता है। ठीक है, हमारे साथ ट्रीटमेंट क्या है डीएनएस का? डीएनएस यूजुअली मोस्ट पीपल, ये जो है हमारे साथ ज्यादातर लोगों में होता है, लेकिन इफ नो नीड ट्रीटमेंट एट नो नीड ट्रीटमेंट इफ इट डज नॉट कॉज सिम्टम, फॉर एग्जाम्पल अगर वो सिम्टम लेस है उसका वो नहीं है कोई तकलीफ नहीं है मरीज को, तो फिर जो है हम ना सर्जरी करते हैं ना कोई और मेडिसिन मूव करते हैं। ठीक है, ना मेडिकेशन से इसका इलाज करते हैं ना जो है थ्रू सर्जरी करते हैं। ठीक है, अगर उसको कोई वो तकलीफ नहीं कोई क्लिनिकल फीचर ना, तो फिर हम जो है ट्रीटमेंट नहीं करते। ठीक है, अगर बताना खासा उसका जो है वो तकलीफ होता है तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। एफ डी एनएस का सिम्टम देन ऑपरेशन इज नीडेड, आप लोगों ने फिर क्या करना है अगर मरीज को क्या है तकलीफ है तो फिर हमें क्या करना है सर्जरी करना है ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन की क्या है दो टाइप है, एक हमारे साथ एसएमआर है और दूसरा सेप्टोप्लास्टी है। ठीक है, एसएमआर सब मैकोजा रिसेक्शन, ये हम ज्यादातर जो है 17 ईयर तक करते हैं, 17 ईयर से जब वो होता है एज कम बाद जो है एंटी स्पेशलिस्ट 14 ईयर कह रहे हैं कि जो 14 ईयर से कम है तो फिर हम नहीं करते, 14 ईयर के बाद जो है हम सर्जरी करते हैं। और दूसरा जो है हमारे साथ जो है सेप्टोप्लास्टी, ये एडल्ट को भी करते हैं और चिल्ड्रन को भी दोनों को, इसमें कोई वो नहीं है बात। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या हो गया डीएनएस से, कि डीएनएस जो है हमारे साथ डिविएटेड नोजल सेप्टम है, हमने जो है वो उसका क्रॉस पढ़ा, फिर जो है क्लिनिकल फीचर, इसका मेन जो इन्वेस्टिगेशन है वो जस्ट हम पीएनएस एक्सरे करते हैं और एग्जामिनेशन, इसे हम डायग्नोस करते हैं। ठीक है, और बाद में दो तरह वो है, बाद लोगों को डीएनएस होता है लेकिन तकलीफ नहीं होता तो फिर हम वो नहीं करते इलाज, और बाद लोगों को जो तकलीफ होता है क्लिनिकल फीचर होता है मरीज का तो फिर हम इलाज करते हैं। थैंक यू आज के लिए।